हे गाइस, मैं हूँ राजेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री को कोई भी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। दोस्तों, आप स्मार्टफोन से भी कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। तो मैं अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहां पर हम सिंपल सा टाइप करेंगे PM इंडिया और इसको ओपन क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए, आपको अपने विचार, सुझाव, राय यहाँ साझा करें प्रधानमंत्री को लिखें। तो अपन को सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, प्रधानमंत्री को लिखें इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म आपका आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर फॉर्म आपका आ चुका है, आप देख लीजिए। ऐसा आपका फॉर्म दिखेगा। तो आपको सिंपल सा इसको भरना है। अब अपन को सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर इसके बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर आपको इतनी सारी कंट्रीज दी जा रही हैं तो आपको चूज़ कर लेनी है। आप अगर जिस कंट्री से भी हैं चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना है। आपको 3 लाइन्स यहाँ पर दी जा रही हैं। तो अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है आपको। फिर इसके बाद आपको स्टेट चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर जो उनसे भी हो आपकी, वो यहाँ पर आप फिल कर लेनी है। और ये देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। आपको फ़ोन नंबर, अगर आपका फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, वरना यहाँ पर आप इसको खाली रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर 91 लिख कर ही अपना नंबर है जो एंटर करना है। आपको ये नंबर आपका चालू होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर पर आपको SMS द्वारा ईमेल अलर्ट भेजा जाएगा। आपको इसी नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेंड किया जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। आप जौन सी भी कैटेगरी से आप कंप्लेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन नीचे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है। आपको यहाँ पर 4000 अक्षर में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ये स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करने हैं। अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे जो आप, ये आपको यूज़ नहीं करने हैं, वरना आपकी कंप्लेंट एरर शो होगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपने PDF बनाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज रखी है तो आप सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी PDF सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए, आपको ये कैप्चर दिया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर सिंपल सा फिल कर देना है।
और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आपने आपकी कंप्लेन है जो सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।